जो लास्ट क्लास थी कल की, उसमें हमने जो जितनी भी प्रकार की आप लोगों के सिलेबस में न्यूक्लियर रिएक्शन थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अब न्यूक्लियर रिएक्शन तो जितने भी प्रकार की है, नाभिकीय विखंडन, संलयन, आयनीकरण अभिक्रिया, भारी आयन अभिक्रिया, स्वतः विखंडन अभिक्रिया, इन सब अभिक्रियाओं के बारे में तो हमने पढ़ लिया। लेकिन ये सब अभिक्रियाएं सही है या गलत है उसका कैसे पता करेंगे, या फिर उसके अंदर परमाणु क्रमांक की संख्या बराबर है या कम है या ज्यादा है, उन सबके बारे में पता करने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, संरक्षण के नियम होते हैं। तो हम जो आज की क्लास जो होगी उसमें क्या पढ़ेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षण के नियम पढ़ेंगे। कोई भी रिएक्शन परफेक्ट या सही है वो कैसे पता चलेगी, वो उसके संरक्षण के नियमों से पता चलती है। इन संरक्षण के नियमों में जो सबसे इम्पोर्टेंट संरक्षण के नियम है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को के अंदर से किसी भी उत्पाद को या फिर उसके रिएक्टर उत्पाद या फिर क्रियाकारक, इन दोनों में से जो कोई भी पदार्थ अगर विलुप्त होता है, कोई भी नाभिक या कोई भी कण, तो उन सबको पता करने के लिए या किसी भी रिएक्शन को कम्प्लीट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है वो आप लोगों के सभी नियमों के अंदर, वो सबसे पहले दो नियम है, एक तो आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं उनके न्यूक्लियन के संरक्षण का नियम। तो आप लोगों को इस नाभिकीय अभिक्रिया के ऊपर अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन के अंदर वो रिएक्शन के अंदर आप देखोगे इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, तो उसमें वो कभी कभार या तो इसको विलुप्त कर देता है या फिर उत्पाद को, या इन चार में से किसी भी एक को लुप्त करके, मतलब उसको हटाकर पूछता है कि अभिक्रिया में खाली जगह या लुप्त कण या नाभिक को ज्ञात कीजिए। तो उसको ज्ञात करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम होते हैं, उन इम्पोर्टेंट नियमों में सबसे पहले जो दो नियम है, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम, जिसमें हम न्यूक्लियनों की संख्या के ऊपर बात करेंगे। दूसरा जो आता है वो आपके आवेश संरक्षण का नियम, या किसी भी नाभिक के अंदर जो होते हैं नाभिक की आवेश जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो सबसे पहले तो हम कौन सा नियम पढ़ेंगे, आवेश या परमाणु क्रमांक के संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होगा, अगर कोई भी नाभिक की अभिक्रिया होती है तो उस नाभिक की अभिक्रिया में जितने न्यूक्लियर जितनी परमाणु क्रमांक संख्या स्टार्ट में होती है, स्टार्ट में या फिर आप ये कह सकते हो जितने आवेश क्रियाकारक के पास होते हैं उतने के उतने आवेश किसके पास होंगे, उत्पाद के पास में भी होंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है किसी भी नाभिक की अभिक्रिया में आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, या अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितने आवेश उत्पाद के पास होता है उतने के उतने आवेश क्या होते हैं, किसके पास में होंगे, क्रिया कारक के पास में भी होंगे। तो इस अभिक्रिया में ये कह सकते हैं कि सभी नाभिक की अभिक्रिया में क्या होते हैं, सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्रियाकारक तथा उत्पाद दोनों में ही आवेश की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, आवेश की संख्या बराबर होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश हमेशा क्या रहता है, आवेश हमेशा संरक्षित
रहता है। मतलब अगर दोनों तरफ के आवेशों को जोड़ देंगे अगर हम दोनों तरफ के आवेशों को जोड़ देंगे आपस में और दोनों तरफ के आवेशों को मिला देंगे तो उस रिएक्शन के अंदर टोटल आवेश का मान किसके बराबर आएगा, उसका टोटल आवेशों का योग शून्य के बराबर आता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया के अंदर आवेश हमेशा क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये तो दोनों में क्या है, क्रियाकारी उत्पाद है, क्रियाकारी है और इधर की साइड है ये उत्पाद। यहाँ पे देखो उत्पाद में कितने आवेशों की संख्या है 19 और यहाँ पे भी कितनी है 19। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, क्रियाकारी में आवेशों की संख्या क्या है 13 + 6 किसके बराबर, 19 बराबर किसके, उत्पाद में आवेशों की संख्या। और अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आवेश जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर जो आवेश होता है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगर हमें आवेश संरक्षित है तथा साथ ही साथ में अगर उसके अंदर प्रति न्यूक्लियन संख्या भी अगर संरक्षित है तो उसकी सहायता से हम रिएक्शन के अंदर ये पता कर सकते हैं कि जो लुप्त नाभिक है उसका मान क्या है या वो लुप्त नाभिक है वो कौन सा होगा, इसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। सेकंड इसके अंदर रिएक्शन जो आती है वो न्यूक्लियन या फिर द्रव्यमान संख्या या परमाणु के द्रव्यमान संख्या के संरक्षण का नियम होती है, या फिर परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसी भी नाभिक के अंदर कितनी परमाणु द्रव्यमान की संख्या है क्रियाकारी पदार्थ के पास में उतनी उतनी किसने किसके पास में होगी, उत्पाद के पास में भी होती है। तो वो नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियनों की संख्या भी संरक्षित रहती है। तो आप लोगों को एक चीज ये मालूम होनी चाहिए, कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें जिस प्रकार से हम कहते हैं कि कभी भी ऊर्जा का न तो उत्पादन किया जा सकता है किसी पदार्थ में, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें न ही परमाणु द्रव्यमान संख्या या फिर न्यूक्लियनों को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उनको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। जितने क्रियाकारी के पास में न्यूक्लियन होंगे उतने के उतने न्यूक्लियन किसके पास में होंगे, उत्पाद के पास में भी होते हैं। इस वजह से कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है उसमें हमेशा परमाणु द्रव्यमान संख्या या फिर न्यूक्लियन की संख्या जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है या फिर स्थिर रहती है। अगर हम दोनों तरफ के न्यूक्लियनों को जोड़ देंगे या फिर उनको एक दूसरे से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उन न्यूक्लियनों की संख्या में क्या होगी, कमी या वृद्धि किसी प्रकार की नहीं होगी, उनका योग हमेशा किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। तो अभिक्रिया हमेशा क्या रहती है, संरक्षित अभिक्रिया होती है, या फिर वो हमेशा अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, पूर्ण अभिक्रिया होती है। तो इस नियम के अनुसार किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में
किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में, किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूक्लियॉन को, किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूक्लियॉन को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। अर्थात नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूक्लियॉन की संख्या हमेशा संरक्षित रहती है। अब इस अभिक्रिया में आप देखोगे तो जितने न्यूक्लियॉन इधर की साइड होंगे उतने उतने न्यूक्लियॉन उधर की साइड होंगे। कैसे देखिए, जैसे कि क्रिया कारक में न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी है, उत्पाद में भी कितनी होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, संरक्षित अभिक्रिया कहलाएगी या फिर परफेक्ट रिएक्शन कहलाएगी। इसमें और भी नियम होते हैं किसी भी अभिक्रिया को संरक्षित रखने के, परंतु अगर किसी भी अभिक्रिया में कितने क्रिया कारक होंगे या कितने उत्पाद होंगे ये हमें ज्ञात करना है, या कौन सा उत्पाद यूज होगा, उत्पाद के रूप में कौन सा नाभिक आएगा, क्रिया या फिर क्रिया कारक के रूप में कौन सा नाभिक आएगा वो पता करना है, तो हमें जो मेनली दो नियम मालूम होने चाहिए वो दो नियम है। एक तो किसका, आवेशों के संरक्षण का नियम, और दूसरा किसका, न्यूक्लियनों के संख्या के संरक्षण का नियम। अगर ये दो नियम हमें मालूम होते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर कौन से न्यूक्लियाई या कौन से नाभिक यूज हो रहे हैं उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। बाकी नियम भी संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, परंतु किसी भी अभिक्रिया में नाभिक के बारे में पता, कौन सा नाभिक यूज हो रहा है अभिक्रिया में क्रिया कारक के रूप में और कौन सा नाभिक यूज हो रहा है उत्पाद के रूप में, इन दोनों का पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो रिसर्चन के नियम के बारे में मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसके अंदर कभी कभी जो 3.5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछ लेता है, कोई भी चार रिएक्शन देखे उस चार रिएक्शन के अंदर ये पूछ लेता है कि इसमें लुप्त नाभिक के कण या फिर नाभिक के बारे में पता कीजिए, या फिर आप लोगों को मालूम हो तो एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आप लोगों के अंदर इस न्यूक्लियर या नाभिकीय फिजिक्स जो न्यूक्लियर का पेपर है उसके अंदर आपके सबसे लास्ट यूनिट है एलिमेंट्री फिजिक्स करके,
उस एलिमेंट्री फिजिक्स के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, उसके अंदर भी पार्टिकल की जो रिएक्शन दी हुई है वो संरक्षित है या नहीं है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सब किसके ऊपर? अभिक्रियाओं के संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित होते हैं। तो अगर हमें संरक्षण के नियम मालूम होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस रिएक्शन के बारे में पता कर सकते हैं कि वो रिएक्शन सही है या गलत है, इसके बारे में हम उससे पता कर सकते हैं। अदरवाइज हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि वो रिएक्शन संरक्षित है या नहीं। हर नियम जो आता है वो इसके अंदर किसका आता है, वो इसमें नाभिक की अभिक्रिया में ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम के अंदर हमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए दो प्रकार की ऊर्जाएं होगी, एक तो स्थितिज ऊर्जा और दूसरी कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा। दो लेकिन इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी जगह पे हम कौन सी, इसकी द्रव्यमान ऊर्जा को लेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं उसकी विराम अवस्था, कोई भी नाभिक अगर विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में जो होता है तब उसके पास ओनली फॉर कौन सी एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा ही होती है, मतलब उसकी द्रव्यमान ऊर्जा ही होती है। तो कोई भी नाभिक की अभिक्रिया जो होती है उसमें कौन सी एनर्जी, उसकी द्रव्यमान ऊर्जा तथा उसकी गतिज ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया के अंदर क्या कहलाएंगे हम, उसका ऊर्जा संरक्षण का नियम, या उस नियम को हम कौन सा नियम बोलेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसके अंदर कोई भी नाभिक की अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर क्या, द्रव्यमान ऊर्जा तथा गति ऊर्जा दोनों का योग करने पर जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहनी चाहिए, हमेशा संरक्षित रहती है। तो अभिक्रिया क्या होगी, सही अभिक्रिया, एक परफेक्ट रिएक्शन कहलाएगी। किसी भी नाभिक की अभिक्रिया में ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा तथा दूसरी कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा, हमेशा संरक्षित होती है या रहती है, ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उत्पाद या क्रिया कारक दोनों की ऊर्जा हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, अर्थात उत्पाद अभिक्रिया में, अभिक्रिया में उत्पाद तथा क्रिया कारक की कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये कि अदर इधर की साइड 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है क्रिया कारक के पास में, तो इतने की उतनी ऊर्जा किसके पास में होगी, उत्पाद के पास में भी होगी। तो अभिक्रिया के अंदर क्या होगी, ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। अगला नियम जो आता है वो आप लोगों के अंदर, इसके अंदर ही चौथा नियम वो है संवेग, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से हम ये कह सकते हैं कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर उसका रेखीय संवेग भी क्या रहता है, नियत रहता है। रेखीय संवेग मतलब वो किस दिशा में गति कर रही है वो अभिक्रिया, या कोई भी पार्टिकल जिस दिशा में गति कर रहा है, या फिर जिस वेलोसिटी या जिस एनर्जी के साथ वो गति कर रहा है, वो हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया के अंदर क्रिया कारक तथा उत्पाद दोनों के रेखीय संवेग का कुल योग वो हमेशा क्या रहता है, शून्य के बराबर हो। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या रहते हैं, उस कण या उस अभिक्रिया के अंदर रेखीय संवेग हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है।
इसके ना मतलब है, जैसे देख लीजिए, ये अगर इस दिशा में क्रियाकारक गति कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके ना पॉजिटिव ऑक्सीजन की तरफ क्या है, इसके अंदर जो क्रियाकारक है उनके संवेग का मान है, और अगर उसी के उल्टी दिशा में क्या हो जाए, उत्पाद का हो जाए, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल रेखीय संवेग का मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर होता है। मतलब जिस दिशा में क्रियाकारक गति करेंगे उसकी उल्टी दिशा में क्या करेंगे, अगर उसी की उल्टी दिशा में क्या हो, अगर उत्पाद के रेखीय संवेग की दिशा हो, तो उस कंडीशन के अंदर ही क्या होगी, अभिक्रिया के अंदर रेखीय संवेग का मान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। मतलब दोनों का ही अगर रेखीय संवेग को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर होता है, तभी वो क्या होगी, अभिक्रिया रेखीय संवेग से या रेखीय संवेग के रूप में उसका मान क्या होगा, संरक्षित होगा, या वो अभिक्रिया क्या होगी, परफेक्ट रिएक्शन होगी। जितने भी हम अभी संरक्षण के नियम पढ़ेंगे उसमें रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और अभी आपके कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, इनके मान भी क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। जो ये टोटली जो मेनली जो नियम हमें पढ़ने होते हैं किसी भी अभिक्रिया को परफेक्ट या फिर कोई भी अभिक्रिया सही है उसको जानने के लिए, तो वो तो रिएक्शन सही है या गलत है वो तो हम जब एलिमेंट्री पार्टिकल या एलिमेंट्री फिजिक्स पढ़ेंगे तब उसके अंदर भी ये सेम के सेम संरक्षण के नियम यूज होंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रैक्टिकल, ये जो रिएक्शन जो है उसमें इन नियमों का कैसे यूज होता है। परंतु अभी इन नियमों को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई भी नाभिक है उसके लिए भी क्या है, सेम के सेम यही नियम यूज होते हैं। परंतु कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसमें रेखीय संवेग कोणीय संवेग जो होता है वो किसके, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उन नाभिक के कणों के मान के रूप में होता है, तो वो भी जो होते हैं उन कणों के लिए भी क्या होता है, रेखीय संवेग का कुछ मान होता है, कोणीय संवेग का कुछ मान होता है, तो वो हमें मालूम होता है। तो उस आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उस नाभिक की अभिक्रिया के अंदर यह पता कर सकते हैं कि उसके अंदर रेखीय संवेग संरक्षित है या फिर कोणीय संवेग संरक्षित है। उसका मान हम क्या करते हैं, प्रोटोन तथा न्यूट्रॉन की संख्या या प्रोटोन तथा न्यूट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल उनके अंदर भी प्रोटोन न्यूट्रॉन मेसोन म्यूऑन नाभिक जो होते हैं उनके अंदर जो कोणीय संवेग या रेखीय संवेग का मान जो होता है उस आधार के ऊपर पता किया जाता है कि रेखीय संवेग संरक्षित है या फिर असंरक्षित है। वो उनकी संख्या के ऊपर या उनके जो फिक्स वैल्यू होती है रेखीय संवेग का मान भी नियत होता है या फिर कोणीय संवेग के अंदर आई जो होता है वो भी नियत होता है, उसकी वैल्यू 1/2 के रूप में होती है। वो अगर हमें मालूम हो कि किसी पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, किस पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, तो उस आधार के ऊपर हम पता कर सकते हैं कि उसके अंदर संवेग संरक्षित है या फिर असंरक्षित है। कोणीय संवेग संरक्षण के अंदर आपके पास में कितने संवेग आएंगे, दो प्रकार के, दो प्रकार के कौन से, एक तो आप लोगों का ऑर्बिटल
कक्षीय कोणीय संवेग और दूसरा आपका कौन सा कोणीय संवेग आएगा, चक्रण कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग में क्या होगा, कोई भी एक नाभिक जिसके ऊपर मध्य बिंदु रहता है उसके चारों अगर कोई भी क्या कर रहा है, कोई भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक कक्षा के अंदर क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा होता है, तो उस घूर्णन के कारण जो संवेग उत्पन्न होता है वो कौन सा संवेग होता है, कक्षीय कोणीय संवेग। तथा उसी के साथ जैसे कि मान लो कि ये एक कण है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई भी, ये इस बिंदु के चारों एक वर्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर इनके चक्कर के कारण, इस कक्षा के अंदर चक्कर के कारण जो संवेग उत्पन्न होगा वो कौन सा संवेग हुआ, कक्षीय कोणीय संवेग। अगर वो इस कक्षा के साथ में अपने अक्ष के सापेक्ष में अगर चक्कर लगाते हैं तो उसके कारण कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। और इन दोनों को किसको, ये तो कौन सा होगा चक्रण वाला होगा और ये कौन सा होगा कक्षीय, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हमें क्या मिलेगा, कोणीय संवेग की प्राप्ति, टोटल कोणीय संवेग की प्राप्ति होती है। तो कोई भी नाभिक की अभिक्रिया जो होती है उसमें हमेशा क्या होती है, उसका कुल कोणीय संवेग हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कोणीय संवेग, या फिर कोष्ठक में हम ये लिख सकते चक्रण तथा कक्षीय कोणीय संवेग, हमेशा क्या रहता है, नियत या इसकी फिक्स वैल्यू होती है। चक्रण कोणीय संवेग तथा कक्षीय कोणीय संवेग जो होती है उसका मान क्या होता है, वो नाभिक के कणों के लिए फिक्स वैल्यू होती है। जैसे कि आप प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ले लोगे तो उनके लिए इसका मान 1/2 जो है वो एक फिक्स वैल्यू होती है कक्षीय कोणीय संवेग का, सॉरी कोणीय संवेग का मान। तथा जो कक्षीय कोणीय संवेग है उसको किससे, एल से प्रदर्शित करते हैं। और चक्रण कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, स्पिन अप तथा स्पिन डाउन, इंग्लिश में चक्रण को हम स्पिन से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो स्पिन अप तथा स्पिन डाउन के ऊपर डिपेंडेंस करता है। उसकी वैल्यू या पॉजिटिव में हो सकती है या फिर नेगेटिव के रूप में होती है, और वो हमेशा किसके रूप में, इंटीजर के रूप में होती है। तो इसकी जो दोनों ही वैल्यू है, कौन सी कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है, के कक्षा में चक्कर लगा रहा है, एल में लगा रहा है, एम में लगा रहा है या एन में लगा रहा है, तो उस आधार के ऊपर कक्षीय कोणीय संवेग होता है जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4 के रूप में होता है। और चक्रण कोणीय संवेग जो होता है उसका मान इंटीजर के रूप में होता है जिसकी वैल्यू 1/2 या माइनस के 1/2 होती है, वो स्पिन अप तथा स्पिन डाउन के ऊपर डिपेंडेंट करती है। और इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुल कोणीय संवेग का मान प्राप्त होता है, जहां पे आई बराबर क्या होता है, एल प्लस एस वेक्टर के बराबर होते हैं। इस रूप में हम क्या लगाते हैं, कुल कोणीय संवेग का मान ज्ञात करते हैं। अगर दोनों तरफ इसका मान क्या होता है, समान होता है या सदैव बराबर होता है, तो इनका सदिश योग जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तब हम ये कह सकते हैं कि उस नाभिक की अभिक्रिया में क्या है, कुल कोणीय संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगला नियम जो है वो आपके पैरिटी का संरक्षण है, या फिर आप ये कह सकते हो सममितता का नियम। कोई भी नाभिक की अभिक्रिया जो होती है उसमें पैरिटी क्या होती है, पॉजिटिव या फिर सम पैरिटी या फिर विषम पैरिटी, मतलब या तो फिर हम ये कह सकते हैं उस पैरिटी का मान धनात्मक या पी का मान धनात्मक या फिर पी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो और आप लोगों को मालूम है पैरिटी हमेशा किससे निकाली जाती है, -1 की पावर L से। पैरिटी हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है, कक्षीय कोणीय संवेग या कक्षीय क्वांटम संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी नाभिक की अभिक्रिया है तो उसमें कोई भी नाभिक के पास जितने भी कण उपस्थित है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, वो कौन सी कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहे हैं या कौन सी कक्षा के अंदर उपस्थित है, उस कक्षा का संख्या जो होगी, उस कक्षा की संख्या, उस आधार के ऊपर क्या है, उसकी पैरिटी निर्धारित होती है। और ये पैरिटी जो होती है वो हमेशा कब संरक्षित रहती है, जब कैसी अभिक्रिया, उस नाभिक की अभिक्रिया के अंदर आप लोगों को मालूम तो नाभिक अभिक्रिया के अंदर टोटल 4 प्रकार की अन्योन्य क्रिया होती है, एक गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, एक नाभिक की अन्योन्य क्रिया, एक विद्युत चुंबक की अन्योन्य क्रिया और एक दुर्बल अन्योन्य क्रिया। इन चारों अभिक्रियाओं के अंदर 2 प्रकार की अन्योन्य क्रिया है, कौन सी, एक तो नाभिक की अन्योन्य क्रिया और दूसरी जो होती है आपके विद्युत चुंबक की अन्योन्य क्रिया।
ये दो अनन्य क्रियाओं में तो अभिक्रिया हमेशा क्या रहती है, या अभिक्रिया के अंदर पैरिटी हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। जो क्रियाकारक की पैरिटी होगी वही की वही क्या होगी, उत्पाद की पैरिटी होगी। लेकिन अगर हम तीसरी अभिक्रिया, जो कौन सी तीसरी अनन्य क्रिया जो होती है, वो दुर्बल अनन्य क्रिया, वो अगर किसी भी अभिक्रिया में पाई जाती है तो पैरिटी हमेशा क्या रहती है, असंरक्षित रहती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है उसमें पैरिटी कब संरक्षित रहती है, जब किसी अभिक्रिया के अंदर कैसे दो प्रकार की अनन्य क्रिया है, एक नाभिकीय बल के रूप में और दूसरी किसने विद्युत चुंबकीय बल के रूप में, अगर दो अनन्य क्रिया किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में पाई जाती है तो नाभिकीय अभिक्रिया हमेशा क्या रहती है, सर उस नाभिकीय अभिक्रिया में पैरिटी हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है पैरिटी कब संरक्षित रहेगी, जब नाभिकीय अभिक्रिया में कितने किस प्रकार के बल पाए जाते हैं, नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बल पाया जाता है, तो उस कंडीशन में वो नाभिकीय अभिक्रिया क्या रहती है, उस नाभिकीय अभिक्रिया में पैरिटी संरक्षित रहती है। अन्य बल के रूप में, या जैसे कि दुर्बल नाभिकीय दुर्बलीय बल हो, तो दुर्बलीय बल के रूप में नाभिकीय अभिक्रिया में पैरिटी हमेशा क्या रहेगी, असंरक्षित रहेगी। पैरिटी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -1 की पावर l। अगर इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस नाभिक की पैरिटी को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और पैरिटी को ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका होता है, अब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अगर हम क्या करें किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर उसके फंक्शन के अंदर उपस्थित जिस निर्देशक होगा, वो नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर जो फलन है या फंक्शन है वो क्या है, किसी न किसी निर्देशांकों का फलन होता है। तो अगर हम निर्देशांकों के साइन को परिवर्तित कर देते हैं और उसके पश्चात भी अगर फंक्शन की वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो तो वो फंक्शन क्या होता है, सम पैरिटी का होता है, और अगर वहीं पर अगर निर्देशांकों को परिवर्तित करने पर फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है तो विषम पैरिटी का होता है। इस प्रकार से भी हम पैरिटी के बारे में पता कर सकते हैं। परंतु हमें नाभिकीय पैरिटी पता करनी है तो उसके लिए हमें कक्षीय क्वांटम संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए, उसी के आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, पैरिटी को ज्ञात कर सकते हैं।
हाँ बंद कर दो पहले, अब अरे क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद कर दो।